मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, विष्णु प्रसाद या फिर नीतीश कुमार? नीतीश कुमार इन्होंने 15 साल के अंदर में बहुत काम किए हैं, रोड का विस्तार किए हैं और बहुत सी लोगों को सुविधाएं प्रदान की हैं। अब पब्लिक को सुविधाएं नहीं मिल पाती है, इसका मुख्य कारण है कि पब्लिक को उस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। यदि जानकारी प्राप्त कर लें तो निश्चित तौर पर पब्लिक को अपने चाहते कि तेजस्वी यादव आए। तेजस्वी यादव अभी कैसे आ रहे हैं? अभी कोई तरह का उनका अपने में आपस में झमेला है तो तेजस्वी यादव कैसे आ रहे हैं? आप कहना चाहते हैं मनभेद है घड़ी में, मनभेद है घड़ी में, तब भाई भाई में देखते हैं, कभी उठा देता है, कभी जहानाबाद से उठा देता है तो कभी अपना पार्टी उठा देता है, इसीलिए ये सब आदमी ठीक नहीं ना। उनके बारे में क्या युवाओं को मौका आप नहीं देना चाहते हैं? देना चाहते हैं लेकिन आप देखिए उनका सीटों में देखिए, अगर जीतते हैं तो और खुशी की बात है, क्योंकि नया सरकार आता है तो जाहिर सी बात है अच्छा ही कुछ डेवलपमेंट के बारे में सोचता है, इसलिए अगर वो भी आए तो भी बेहतर है, अगर नीतीश कुमार भी है वो भी अच्छा नहीं है। देखिए पीपल सोचता क्या है, अगर जो भी आए वो भी अच्छा काम करे, इसीलिए उसको चूज करे, जो भी आए तेजस्वी यादव आए वो भी अच्छा काम करेगा, तो हम पब्लिक उसी को चुनोगी। अगर नीतीश कुमार अच्छा काम करेगा, क्रिएटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच को लाना ये हम नौजवानों का ही दायित्व है, और जो डेवलपमेंट करेगा उसको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, ये हमारी सोच है। और इसके तहत हमें लगता है कि पूरे बिहार में, क्योंकि पूरे इंडिया में एजुकेशन को ले लीजिए, चाहे वो सड़क को ले लीजिए, चाहे बिजली को ले लीजिए, हर राज्य से पूरे इंडिया में हमारा बिहार थोड़ा पिछड़ता नजर आता है, तो इसको जो डेवलप करे उसको राजनीति में मौका मिलना चाहिए। उसको 15 साल का शासन किए, आप युवाओं को कुछ मौका देना चाहिए? युवा के पास एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए, एक्सपीरियंस तो कुछ है ही नहीं इसके पास, टोपी पहना तो उल्टा पहन लेता है टोपी, कैसा नेता होगा? आपको क्या लगता है कि इस बार फिर से? बिल्कुल फिर से नीतीश कुमार। आपको क्या लगता है इस बार? बिल्कुल 100% नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मान लिए 100%। क्या कुछ आपको लगता है कि इन 15 सालों में कुछ विकास हुआ भी है बिहार में? विकास तो दिख रहा है, पहले स्कूल में बच्चे नहीं जाते थे, बच्चे जाते थे तो टीचर नहीं जाते हैं, कम से कम गाँव में बच्चे तो अवेलेबल है स्कूल में, टीचर भी जाते हैं समय पे, जो है सो सारा व्यवस्था भी स्कूल का है, रोड बिजली सब गांव में मिल रहा है, शहर की बात तो दूर की, लेकिन गांव में भी सारी सुविधाएं हैं, चाहे हॉस्पिटल हो। अच्छा कहा जाता था कि 15 साल जो RJD का शासन था और ये 15 साल जो JDU का शासन था, उनमें काफी लिखा जाता भय बनाम मुद्दा दिया जाता है, तो भय कौन था और विकास कौन है? विकास पुरुष ऑब्जेक्टली है नीतीश कुमार है, भय तो लालू जी के समय में था, जो घर से गाड़ी घोड़ा सब खींच के ले जाया जाता था, बिजनेस समेट लेते थे, आज कम से कम 10 बजे 11 बजे रात में पटना में लोग होटल में जा रहे हैं, खा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये ड्यू टू नीतीश कुमार का देन। तो आपको लगता नहीं है कि इस बार जो अगर RJD का शासन तो वही 15 साल जैसा राज बिल्कुल रहेगा ना, उनके कार्यकर्ता कहाँ जाएंगे, कार्यकर्ता का तो वही रवैया रहेगा जो लालू जी के टाइम में था, कार्यकर्ता जो पहले लालू जी का कार्यकर्ता था वही तेजस्वी जी का कार्यकर्ता है, तो मेंटलिटी तो वही रहेगा, तो फिर से वही जंगल राज वापसी आएगी, उससे ज्यादा बेटर है नीतीश कुमार हैं, और हम लोग चाहेंगे भी जो नीतीश कुमार बने रहे। संतोष सिंह धन्यवाद। आप कुछ बोलना चाहेंगे क्या? प्रसाद यादव या फिर नीतीश कुमार क्यों उनको देखने की चीज है ना, क्यों और काहे का बात ही नहीं है, मतलब विकास जैसे कुछ चलिए, जो अभी बिहार का सिनेरियो है आप देखिए खुद, आप तो खुद आप लोग तो घूमते रहते हो, हम लोग से ज्यादा देखते होंगे, डेवलपमेंट तो दिख रहा है, आज हम खुद बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, इस तरह का माहौल था। कर RJD क्यों नहीं है? देखिए RJD क्यों नहीं है, विजन भी होना चाहिए ना, उन लोग कोई बिना विजन का आ गए, विजन है लेकिन विजन दिखना चाहिए, नीतीश कुमार में दिख रहा है विजन, मौका तो मिला ही उनको।